अल्लाह ताला के फजल करम से मैं उर्दन जॉर्डन जिसे कहते हैं वहां जियारत के लिए गया हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह तला हजरत जैद बिन हारिसा रदी अल्लाह तला हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह रदी अल्लाह तला और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर पर वहां फातिहा पढ़ा रुका उसके बाद फिर मक्का शरीफ, मदीना शरीफ और जिद्दा में लेक्चर था इसलिए बीच में वक्फा जो है वो इस लेक्चर में ज्यादा हो गया ये सब सदका है अलिया कराम का जिक्र करने का कि अल्लाह ताला नवाजता है आप लोग भी अलिया के जिक्र को शुरू कीजिए पढ़िए सुनाइए देखिए फिर अल्लाह तला आप पर किस तरह करमाता करम कर है आज की गुफ्तु जो है वह छिहत्तरवें मरहले में दाखिल हुई गई मुर्शद अला हजरत सयद शाह आल रसूल हुसैनी मारा हरवीरमत आज इस हस्ती को सरनामा कलम बनाया है अला हजरत का जिक्र किया तो आपके मुर्शद उनका जब पड़ा तो सोचा कि लोगों को बताना चाहिए कि कितनी वो अजीम हस्ती है कि जिनके खलीफा मुजद मिलत है तारीख विलादत रजब बारह सो नौ हिजरी और सत्रह सौ पचानवे ईस्वी तारीख विशाल अठारह जिलाज बारह सो छियानवे हिजरी दो दिसंबर अठारह सो उनासी तो इस हिसाब से टोटल उम्र आपकी कमरी साल के मुताबिक जो है वह तकरीबन सतासी साल और कुछ माह बनती है पीर पीरा वह अब्दुल अब्दुल्कदर गिलानी रहमत लिवाल से छह सौ अड़तालीस साल बाद पैदा हुए और आज दो हजार पंद्रह में आपको दुनिया से गए हुए शमसी साल के मुताबिक एक सौ पैंतीस साल हो चुके हैं हदली वाल वसलम का फरमान है कि मुनाफिक तीन को बड़ा हल्का समझता है बहुत गौर से सुनिएगा जो मुनाफिक होगा वह तीन को बड़ा हल्का समझेगा जो इस्लाम के अंदर बूढ़ा है उसकी इज्जत नहीं करेगा हल्का समझेगा और आलिम दीन को आलिम बामल को हल्का समझेगा इज्जत नहीं करेगा और हाकिम आदल की इज्जत नहीं करेगा हल्का समझेगा यह मुनाफी की अलामत है और एक हदीस मुबारक जो मैंने पढ़ी उसका मैं खुलासा बयान कर दूं आपको यानी जो आदमी आलिम बामल की इज्जत करता है गोया कि उसने अल्लाह ताला के इकराम को तस्लीम किया यानी सादा लफ्जों में अगर कह दूं मैं सादा लफ्जों में कह दूं गोया कि वह अल्लाह तला की इज्जत कर रहा है उसकी तजीम को तस्लीम कर रहा है कि अल्लाह बड़ा है अब आप जरा सोच लीजिए कि ओलिया ये आलिम बामल होते हैं जब जब आलिम बामल हो जाता है तो वो वलिया कामिल बन जाता है तो आलिम बामल की इज्जत करना ईमान की दलील है आलिम बामल की इज्जत करना गोया कि आपने रब के जलाल को तस्लीम किया है आइए गुफ्तगु को आगे बढ़ाते हैं हमारा तरीकाकार यह है कि जब हम गुफ्तु करते हैं तो सबसे पहले हम नाम के ऊपर गुफ्तगु करते हैं नाम के अंदर भी बहुत सारी चीजें लोगों को हासिल हो जाती और हमारा हमारा ये जो हिस्सा है जो, जो इसको लोग बहुत पसंद फरमा दे कुछ मेरे इलम में भी इजाफा हो जाता है आपका जब नाम लिया जाता है तो मुर्शिद आला हजरत उस मुर्शिद का हजूर सल्हु वसलम से कितना ताल्लुक होगा कि जिनके खलीफा वो आलिम दीन है जिन्होंने एक हजार किताबें जो है वह तहरीर फरमाई और जिन्हें बावन आलूम पर दस्तरस और जिनको दुनिया जो है वो मुजद वक्त कहती खुद सोचो और ये बड़ी नवाजी होती है रब की कि उस्ताद बहुत टॉप के मिल जाए बड़ी करम नवाजी है कि उस्ताद को शगिद बहुत आला मिल जाए और ये रब के कर्म में से कर्म है कि पीर को मुरीद बड़े अच्छे मिल जाए मुरीद को पीर बड़ा अच्छा मिल जाए ये रब की कर्मनवाजियों में से एक करम है उसका तो क्या कहने सैयद शाह आले रसूल मार हरवीर रहमत के आपको जो खुलाफा मिले जो मुरीद मिले उनमें से एक मुरीद वो है कि जिसको दुनिया ने मुजद कहा और जो मुफ्ती अरब अज कितना ताल्लुक है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ही वाले वसल्लम के साथ उनका कि रब ने कितना कर्म किया और एक बात याद रखिएगा मुर्शिद ढूंढना जरूरी है शैतान से बचना जरूरी है और जिसका मुर्शिद नहीं होता समझ लीजिए कि वह गुमराह हो गया मैं युद्ध लिल्ला हूँ फलंद तजी दलाू वाली यह यानी गमराही के असबाब में से एक सबब यह है और गमराही की निशानियों में से एक निशानी यह है कि उसको मुर्शिद नहीं मिलता उसको वली नहीं मिलता वैसे भी आज के दौर के अंदर खुद वलियों ने अपने आप को छुपा लिया है और छुपा और भी लिया और अगर जाहिर भी तो हमें नजर नहीं आते उसकी वजह क्या है उसकी वजह यह है कि हम लोगों की नजर पाऊ पे है हम बुलंदी की तरफ देखेंगे तो पता चलेगा वली कामिल कौन है हम हम में से हर एक की नजर पाऊँ पे है आप कहेंगे मुख्तार शाह ये पाऊं पे नजर का क्या मतलब है देखो भाई कुछ चीजें बुलंद हैं कुछ चीजें पस्त हैं ये दुनिया की जितनी चीजें हैं ये दौलत है ये शोहरत है ये मकानात हैं ये जमीन है ये चीजें खाना ये पीना ये सब ये क्या है ये ये पस्त हैं गोया कि तुम सब लोगों की और हम भी हमारी भी सबकी नजर जो है वो पाऊं की तरफ है तो जब नजर पाऊ की तरफ है तो चेहरे कहां दिखेंगे तो ये तकाजा करना कि जनाब मुझे वली नजर नहीं आ रहा मुझे वली नजर नहीं आ रहा तो जब आप नीचे देखोगे तो ऊपर की चीज कहां नजर आएगी तो अक्सरियत दुनिया की जो है वो नीचे देख रही है तो मुर्शिद का ढूंढना जरूरी है शैतान से बचना जरूरी है तो शैतान से बचोगे कैसे आप कहोगे जी मैं शैतान से बच जाऊंगा इल्म की वजह से तो अल अलम हिजाब अकबर इल्म जो है वो जितने हिजाबात हैं आपके उनमें सबसे बड़ा हिजाब सबसे बड़ा पर्दा जो है वो आपका इल्म है आप जितना इल्म पढ़ते चले जाओगे अगर आपके पास मुर्शिद नहीं है रहबर नहीं है हादी नहीं है तो वो तो खुद सबसे बड़ा पर्दा है तो अब यही वजह है कि जितने और कराम गुजरे हैं जो दुनिया के बड़े बड़े बानी हैं फलासफर हैं इस्लाम के अंदर जो सूफिया हैं वो इल्म हदीस कुरान ये तमाम आलू पढ़ने के बाद फिर वो मुर्शिद ढूंढते थे मुर्शिद ढूंढने के बाद वो मुर्शिद के साथ रहते थे क्यों इसलिए कि सिर्फ इल्म आपको नहीं बचा सकेगा शैतान खुद माहिर है शैतान के पास बड़ा इलम है वो किताबों को जानता है वो जानता है कि किसको किस तरीके से गुमराह करना है इसलिए इलम पर भरोसा मत कीजिए यही वजह है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें यह कहा या याकुन आसादी इस आयत के अंदर तीन चीजें हैं ईमान है तकवा है फिर सच्चों के साथ सोबत है तो पता यह चला कि तनहा ईमान काफी नहीं है हो सकता है कि एक आदमी कलिमा पढ़े और कलिमा पढ़ने के बाद भी वो फिर जन्नत में ना जा पाए कोई मसला उसके साथ हो जाए तो फिर अब यह है कि आप कलिमा पढ़ने के बाद अपनी सारी जिंदगी एक लम्हा हर काम हर गांव ऐसा होना चाहिए जैसा कुरान कहता है या जिस पे कुरान उतरा साहिब कुरान कहता है उसके बाद भी अभी काफी नहीं हो सकता है कि तुम मुत्तकी बन जाओ परहेजगार बन जाओ तो अभी भी चांसेस हैं गुमराह होने के तो रब ताला ने तीसरी चीज कह दी वह कून उमा सादकीन ईमान तकवा और उसके बाद तुम्हें सच्चों के साथ रहना है बात समझिए तो यही वजह है कि और क्राम और सूफिया कराम पहले मोमिन तो होते उसके बाद वह इलम पढ़ते इलम जो है वह इंसान को फिर तकवा सखाता जब वो अमल कर लेते हैं उसके बाद वो सोबत इख्तियार करते हैं सच्चों की तो पहला हुक्म ईमान का हो गया दूसरा कि सोच और अमल ये ईमान सोच और अमल में आ जाए और तीसरा कि तुम सच्चों के साथ रहो अब मालूम हो गया कि मुजद मुश्तहिद, मुहद्दस सूफिया और औलिया के पास क्यों जाते थे अब बात समझ में गई इमाम अहमद बिन हमबल बिशरे हावी के पास क्यों जाते थे अब बात समझ में आ गई इमाम आजम इब्राहिम बिन अधम की तस्जीम क्यों करते थे बात बात कुछ समझ में आ रही है ना आपको तो ये बड़ा जरूरी होता है और ये भी गुमराही का एक जो है वो रास्ता है कि किसी वली की जरूरत नहीं है और वलियों की तस्जीम ना करना सूफिया की तस्म ना करना यह भी गुमराही का एक लेकिन अल्लाह तला मुझ पर और आप पर रहमत नजर फरमाए कि हमें एक बेहतरीन रास्ता दे दिया कि हम औलिया की तस्म करते हैं और उनके जिक्र को आगे फैलाते ये आला हजरत ने सैयद शाह आल रसुल रहा का जो चुनाव किया है यह चुनाव इलाहा है यह आपको ख्वाब में इशारा हुआ यह अल्लाह की तरफ से है तो यह बात याद रखिएगा आप जब इबादत में मसरूफ हो जाते हैं इबादत में मशगूल हो जाते हैं खालस अल्लाह की रजा के लिए फिर अल्लाह तला आपको रस्ते दिखाता है यह काम करो इस काम को इस तरह करो इस काम को इस तरह करो और अगर आप वो काम करने लगते हो तो कोई ऐसी रुकावट आ जाती है तो वो काम कर ही नहीं सकते तो इसलिए बास जो मुश्किलें होती हैं वो आपकी आसानी के लिए होती तो ये मुर्शद का चुनाव जो है ये इलाहानी है अला हजरत तजीमबरकत शाम रजा खबरिली रहम अब वाक़ा सुन लीजिए आप मुला हजरत आलाम कारी मोहम्मद अमानत रसूल कादरी खलीफा मुफ्ती आजम हिंद वह बायद का वाक़ा यूं बयान करते हैं कहते हैं बारह सौ चौरानवे हिजरी है की बात है कि अला हजरत तजीम्लबरकत ज़ाहरी ूम की तकवील फरमा चुके हैं मुफ्ती बन चुके हैं फतवा दे चुके हैं तबलीग कर रहे हैं जामे मकूल मनकूल हो चुके अपना लोहा इलम का मनवा चुके हैं लेकिन फिर भी एक चीज है कि जिस चीज की जरूरत है वो है वो नस्बत सरकार वाली वसल्लम के साथ नस्बत का जोड़ना बड़ा जरूरी होता है खा वो आप शजराए तरीकत के साथ जोड़िए या आप वो शजरय नसब के जरिए से जुड़ी हुई हो यह बहुत जरूरी होता है क्योंकि वहां से फैस जब तक नहीं मिलेगा यह तिशना रह जाएगा सुकून नहीं मिलेगा आपको क्योंकि इलम तो आपको मालूम है कि कौन सा ऐसा मजहब है कि जिसके अंदर आलिम नहीं है भाई मेरा ख्याल है ज्यादा पीएचडी अमेरिका में होंगे ज्यादा पीएचडी आपको मिलेंगे तो जाइए जापान जाइए कंप्यूटर के अंदर पीएचडी आपको अमेरिका में जापान में जाके मिलेंगे तो, तो असल चीज वो सुकून होती है वो सरकार से निस्बत जब जुड़ती है तो सुकून मिलता है अब आपको बेचैनी सी रहने लगी ये निस्बत बरकरार की जाए तो कहां की जाए आप रोते रोते सो गए रोते रोते जब सो गए तो आपके जद अमजद मौलाना शाह रिजा अली खान ये देखिए रिजा और रजा ये दोनों पढ़े जाते हैं मैं दोनों को प्रोनाउंस करता हूं माजरत जिसके नजदीक जो हो मोलाना शाह रजा अली खान क्योंकि कुरानी मजीद के अंदर रजा भी है तो रजा का मान होता है रजा का रिजा मानी होता है खुशनुदी और यह अरबी का लफज रजा भी है ठीक है पसंदीदगी पर गलबा उसको रजा कहते आपके चेते हमजद मौलाना शाह रजा अली खान रमत तशरीफ लाए और एक संदूकक्षी आपको अता छोटा सा संदूकशी आपको अता की वो, और आन करीब वो शख्स आने वाला है जो तुम्हारे दर्द दिल की दवा करेगा यह फरमा के जद्द अमजद तशरीफ ले सुबह जब आंख खुली तो दूसरे रोज ख्वाजा कादिर उस्मानी बदायूनी रहमत लशरीफ लाए और कहने लगे अला हजरत से यह कहने लगे चलिए मारहारा चलते आप साथ चल पड़े कुछ जो इलाहाी काम होते हैं ना आदमी दलाल नहीं देता जब किसी ने कहा वो साथ चल पड़ा वो उसके माइंड में कुछ आता ही नहीं है बस एक 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 रहनुमाई मिली और वो चलता गया साथ चल पड़े क्यों जा रहे हो क्यों आए हो क्यों जाना है किस लिए जाना है ना यही लहामी ही था वो बोले आप चल पड़े मारहारा स्टेशन के ऊपर पहुंच गए जब वहां पहुंचे तो अल्लास तजी रजाबरे भी रम आपने सांस लिया तो फरमाने लगे शाह कामिल की खुशबू आ रही है मुरीद इस मकाम पर है तो मुर्शिदे आला हजरत का मकाम क्या होगा क्या लगे खुशबू आ रही है अब स्टेशन पर रुके तो वहां उस दौर के अंदर जैसे आजकल होटल और मोटेल होते होटल होते हैं आप लोग रुकते हैं वो सराय होती थी इन सराय में रुके तो रुके रुके गुसल किया गुसल करने के बाद नए कपड़े पहने नए कपड़े पहनने के बाद अब खानका की तरफ जो है वो बढ़े बात करने के लिए तो आला हजरत जब सैयद शाह आल रसूल रमत की बारगा पहुंचे जून अठारह सौ सतरुस्ो चौरानवे की उम्र जो है वह पचासी की उम्र उम्र मुबारक उस वक्त बाईस की उम्र पीर की उम्र जो ही आप दरबार में पहुंचे तो सैयद शाह इंतजार कर रहे थे उसी वक्त बाय बात के साथ ही मुतसिल खिलाफत आता की यानी टक 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 हर चीज एकदम से बाय खिलाफत और तमाम सनासल की इजाजत दे दी पूरी माइफल जो बैठी हुई थी आपके खानदान के लोग भी थे हैरान रह गए और जो तबरुक चले आ रहे थे वो तबरुकात दिए और एक संदूकची थी ये जिस संदूकची को कहा जाता था वो वजायफ की संदूकची वह सारी संदूकची उठा कर दे दी देखा यह है खामे वो संदूकची ही दी थी ना वो संदूकची सैयद शाह रसुलरहमत ने आला हजरत को पकड़ा दिया अब मुरीदी ने रह गए ताजुल औौलिया सैयद शाह अबुल हुसैन, अहमद नूरी जो पोते भी हैं और जानशीन भी कहने लगे अब्बा, दादा हजूर मुर्शिद कामिक टोटली तरीका कार से हट गया आज आम की जब कोई बात करता था आप पहले उसको मुजाहिदा करवाते थे जो कि रोटी खिलाते थे कितना अरसा रोजे रखता था मुजाहिदा के बाद जाकर आप उसको इजाजत देते थे किसी एक सिलसिले की दो की दे दी तीन की दे दी ये बाईस साल का नौजवान लड़का आया है आते सारी आपने बायत की खिलाफत दी सारी चीजें दे दी तवरुक दे दी ये सब कुछ दे दिया ये जुमला सुनना था और यह जुमला क्यों बोले थे सैयद शाह अबुल हसैन ने को दुश्मनी की बिना पर नहीं बोला था यह बोला इसलिए था कि लोगों को पता चल जाए कि ये जो अहमद रजा आए हैं यह बाईस साल का लड़का नहीं है यह किस मकाम पर है अब मुर्शिद की जुबान से सुनो आपका यह एतराज करना जो है बाजुकात एतराज होता है वह शान को बढ़ाने के लिए होता है अल हजरत के बारे में अब रोते हुए सैयद शाह रसूल 85 साल आपकी उम्र किस मकाम पर होंगे यार रोते हुए कहने लगे तुम कहते हो कि मैंने इन्हें तमाम सिलासल की इजाजत दे दी तुम कहते हो कि आते ही खिलाफत दे दी सुनो तुम अहमद रजा के मकाम को क्या जानो ये फरमा कर रोते हुए कहने लगे मन परेशान रहा करता था कि यामत के दिन जब अपने रब के हजूर में पेश होगा तो रब मेरा अगर मुझसे पूछेगा अगर मुझसे पूछेगा आये आले रसूल तुम क्या लाए हो दुनिया से हमारे लिए तो मैं सोचता था कि मैं क्या कहूंगा लेकिन आज जब अहमद रजा मेरे मुरीद हो गए अब अगर अल्लाह ताला ने मुझसे पूछा कि आया अले रसूल क्या लेकर आए हो तो मैं बारगाह में आजजी और न्याजमंदी से अर्ज करूंगा मैं अहमद रजा को लेकर आया यहां से अंदाजा कर लीजिए कितना बड़ा मकाम है कि सैयद शाह अले रसूल रहमतुल्ला अला हजरत को खुदा की बारगाह में पेश और आदमी पेश उसी चीज को करता है कि जिसमें जो हर लिहाज से जो है वो कमाल पे हो उसी को पेश करता है अखलाक के लिहाज से इलम के लिहाज से तकवा के लिहाज से उसी को पेश करेगा तो अब इन, इस, इस जुमले के अंदर ही आपका एक पूरा खुलासा बयान कर दिया लाइफ को कि मैं खुदा की बारगाह में इनको जो है वह पेश करूँ अल्लाहबर जल्ला शाम कहने लगे लोग जंग अलूदा दिल लाते हैं तो मुझे साफ करने पड़ते ये तो पहले से ही मुजल्ला मुझला दिल लेकर आए बस नस्बत की जरूरत ये, ये, ये है वह बात क्यों कर रहा भाई मुजद अलफसानी ने बाकी बिला की बात क्यों की थी तो यह मुजद वक्त जो है यह बात निसबत के लिए कर रहे अब निसबत जो है वह आपकी जुड़ गई निसबत जुड़ गई तो द शाह रसुल रहमत फरमाने लगे अपने खानदान फैमिली वालों को मुखातबर कहने लगे सुनो मेरी जितनी किताबें छप चुकी हैं यह छपने वाली हैं सब इनको दिखाई सब दिखाई और ये जिस किताब को कहें कि वो आगे दोबारा छपेगी वो छपे और जिस किताब को यह कह दें अहमद रजा कि नहीं छपनी तो ना छपे और फिर जब यह किताब पढ़ने के बाद कोई जुमला काटे या जुमले का इजाफा कर दे तो जुमले का काटना मेरे और मशाह की तरफ से इजाजत असल में होता क्या है कि हम बहुत अरसे के बाद अगर किसी आदमी का नाम लेते हैं तो कुछ बंदे तो हमारे जहन के अंदर होते हैं कुछ बंदों का मकाम उसी के दौर के अंदर पता चलता है सैयद शाह का मकाम किसी को मालूम होगा जो रूहानियत के अंदर बैठ कर देख रहा है फिर उसे मालूम होगा कि उनके ये जुमरे आला हजरत के लिए क्या मकाम रखते हैं अला हजरत तजीमरकतः शाह रजा हमरेलवी रमत ने बात फरमाई तरबियत तो सब है नस्बत के लिए इसीलिए शाह आ रसूल हमतुल्लह के नाम के साथ मुर्शिद अला हजरत लगता है क्या मरतबा है रूहानियत में कि जिनके खुलाफा में मुजद मिलत शामिल अब बात की बात है तो एक मसला बताता जाऊं अला हजरत अजीम रहमत मुजद मिलत फरमाते कि जिसको तुम पीर बना रहे हो उसके अंदर चार चीजें कम अज कम जरूरी हैं चार चीजें जिसे तुम पीर बना रहे हो अपना जिसे अपना मुर्शिद बना रहे पहली बात सबसे पहली बात फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट वह यह कि वह सही आकीदा हो बुरे बद अकीदा के पास रूहानियत नहीं होती उसका लिंक लिंक टूट चुका होता है चाहे वो कुछ भी हो ये बात याद रखिए आलिम हो वो यानी कोई आदमी उससे आकर मसाला पूछे तो वो किताबों में से ढूंढकर आपको मसला बता सके बिना किसी की मदद के और उसका शजरा तरीकत जो है वह हजूर वसल्लम के साथ बगैर इन के बगैर टूटे सरकार के साथ जुड़ता हो शजरा तरीकत उसके बीर, उसके बीर, उसके बीर, उसके बीर, उसके बीर और जाकर हजरत मोहम्मद वसलम से जाकर मिलता और वह फासिक ना हो यह बात याद रखे औरजीमरक अशाम रजहा रहमत रह के नजदीक वो शख्स भी फासिक है कि जिसकी दाढ़ी मुठ्ठी से नीचे होती है आपके नाम के साथ सैयद आता है आप हुसैन सैयद है आपका शजरा नस हजरत इमाम हुसैन तुमने से जाकर मिलता है आपका शजरा कुछ जू है सैद शाह अल रसूल बेटे हैं सैयद शाह अले बरक़ात बिन सैयद शाह हमजा बिन आले मोहम्मद बिन सैयद शाह बरकतुल्लाह बिन सैयद शाह उवैस बिन सैयद शाह अब्दुल जलील बिन सैयद शाह अब्दुल वाहिद बिन शाह बिन शाह इब्राहिम बिन शाह कुतुबुद्दीन बिन सैयद शाह माहिद बिन सैयद शाह शाहबुटा बिन सैयद कमाल बिन सैयद हजरत कासिम बिन हजरत सैयद हसन बिन सैयद नसीर बिन सैयद हुसैन बिन सैयद उमर बिन सैयद मोहम्मद सकर्रा बिन सैयद अली بن سيد حسين بن سيد ابو الفرح <تصفح> ثاني بن سيد ابو فراس بن سيد ابو الفرح واسطي بن سيد داود بن سيد حسين بن سيد يحيى بن سيد زاد سويم بن سيد عمر بن سيد زاد دويم بن سيد علي عراقي بن سيد حسين بن سيد علي بن سيد محمد بن سيد اس عيسى بن سيد زاد شهيد بن زين العابدين بن امام حسين بن حضرت علي شير خدا رضي الله تعالى عنه تو ये चूंकि हजरत इमामी हुसैन अदील तला से जाकर मिलता है वालिद ग्रामी की तरफ से इसलिए आपके नाम के साथ सईद आता है मैं बा, बा, बोसी तखरीरों के अंदर डिटेल बयान कर चुका तो सद के बाद आले रसूल शाह जो आता है सैयद शाह तो ये शाह के बारे में भी मैं बोल चुका आले रसूल यह आपका जाति नाम है आले रसूल यह आले रसूल मुरकब है दो अलफाज का आल और रसूल आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि आल का माना क्या है तो लफज आल कुरान मजीद के अंदर छब्बीस मरतबा आया है आल का माना क्या माना आल का अक्सर बोलते हैं ना आल तो कुछ का ख्याल यह है कि यह आल और आहल ये एक ही माना रखते हैं क्यों और आल और आहल एक ही है इसलिए कि आल की तस्वीर जो है वो उहैल आती है आल की तस्वीर ऊहैैल आती है तो तस्वीर के अंदर असल अल्फाज आ जाते हैं अगर आपने ग्रामर पढ़ी हो तो वो कहते हैं कि जब आल की तस्वीर ओ हैल आई तो पता यह चला कि आल असल में अहल है तो अब जो माना आल का वो माना आहल का लेकिन इस्तेमाल जब किया गया तो इस्तेमाल करने में फर्क हो गया आल जो होता है वो मारफा के साथ इस्तेमाल होता है और आला के साथ इस्तेमाल होता है ताजल जल्द सातवीं सवा दो सौ सोलह तो ताजल और के नजदीक आल और अहल एक ही माना रखते हैं और लफ्जर मजीद में मुजाफ और गैर मुजाफी अहल अल ये इसको मैं कहता हूं गैर मुजाफ एक सौ सत्ताईस मरतबा लफ्ज आहल कुरान मजीद के अंदर आया तो कहते हैं कि आहल उसे कहते हैं जो नस्ब पेशा दीन मकान में मुशतरक दो आहल इनके लिए इस्तेमाल होगा पेशे के लिए नसब के लिए मकान के लिए दीन के लिए लेकिन आल जो इस्तेमाल होगा वो आल मारिफा किसी नाम के साथ इस्तेमाल होगा और वो वो बंदा जो है वो बहुत आला होना चाहिए ये, ये दो चीजें उसमें कही गई जैसे आल फिर ऑन अब देखिए फिर ऑन मारिफा और आला यानी बादशाह है लेकिन आहल जो है यह नकरा जबान मकान वगैरह इन सबके साथ आहल अल अहल खरिया सबके साथ इस्तेमाल हो जाए तो बाज ने कहा कि आल का माना शख्स होता है और इसकी तस्वीर उवैल आती है लेकिन यह ज्यादा मशहूर वही है तो कहते हैं आल उसके लिए इस्तेमाल होगा जिसका गहरा करीबी ताल्लुक हो अमा जुबैदी हनफी लिखते हैं कि किसी शख्स की बीवी बच्चों को उस शख्स की आल कहा जाता है तो आल कुरान मजीद के अंदर दो माना में इस्तेमाल हुआ है जाहरी तौर पर एक रुफाका के लिए जो ताबे फरमान है जो हुक्म को मानते हैं वो लोग और दूसरा खानदान के लिए किंगशिप के लिए दोनों के लिए। अब आइए जरा देखते हैं आल इब्राहिम कुरान में इस्तेमाल हुआ आले इमरान आयत नंबर तैतीस आले लूत आले याकूब सुर मरियम आयत नंबर सिक्स आल दाऊद सूरा सबाह आई नंबर तेरह आल मूसा बाकरा दो सौ अड़तालीस आले हारून बा 248 आयत नंबर आले इमरान आले इमरान, आय नंबर कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए जितने आल हैं बाकी सब आल औलाद के लिए और आले फिर ये जो पैरवी कर रहे हैं तो आले रसूल और आल नबी का मतलब हुआ कि वो जिसे अलामा राहिब ने बयान किया कि अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार आले रसूल और आले नबी फ्स आल कोजूर सल्लाम ने कहा, कहा इस्तेमाल किया ये एक बहुत बड़ी गुफ्तु है जिसे मैं इस, इसी रंग के अंदर बयान करके जा रहा हूं ताकि आपको कभी जरूरत पड़े तो आपके पास ये हो मैं इसलिए थोड़ा सा इस पर गुफ्तू कर रहा हूं यह आल जो है हजूर सल्लाम ने लफ्ज आल को कहां कहां इस्तेमाल किया यह तो आप जानते हैं कि आल और अहल कमाना एक ही होता है हजरत सलमान फारसी नदी अल्लाह तुके लिए कहा सलमानबाती आल का लफज इस्तेमाल हो गया आल और आहल एक ही होता है से पूछा गया कि आपकी आल कौन है तो आपने फरमाया, आले अली, आले जाफर आले अकीर और आले अब्बास हजरत से पूछा अच्छा गया आल के बारे में तो आपने कहा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा से पूछा था तो आपने फरमाया था कुल्लो तकी व नकयी हर मुतकी व परहेजगार इंसान मेरी आहल है मेरी आल है तो इन अदीस को पढ़ने के बाद यह पता चला कि आल का लफ्ज जो है वह तीन मानों में इस्तेमाल हो रहा है एक जो बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है उसके लिए दूसरा किनशिप के लिए जो खानदान जिसे खूनी रिश्ता है दो तीसरा जो सच्चा ताबे फरमान है तीन तीन में इस्तेमाल हो अब बीवी बच्चे और रिश्तेदार में जैसे कुरान में आले यकूब आले इब्राहिम और फरमाया कि सदका मोहम्मद और आले मोहम्मद पर जायज नहीं अब यहां आल सदका आले मोहम्मद और मोहम्मद परजाज नहीं यहां आल बवाना जो है वो रिश्तेदार है और आल में वो भी शामिल हैं जो शदीद मोहब्बत करते जैसे रजू ने फरमाया कि सलमान फारसी ये हमारे अहिबैद से है अब सलमान फारसी को शदीद मोहब्बत ही कि अपना सारा माँ बाप सब कुछ छोड़ छाड़ कर आए और आल में वो भी शामिल हैं जो सही ताब फरमान होते हैं जैसे कुरान मजीद में अब जैना को मैंने फिरना यह आल फिर जो थे ये जो फिरौन कहता था वो मानते थे अब सही ताबे फरमान को भी बोल दिया गया जो पक्का हो जैसा भी है उसके लिए भी बोल दिया गया और हजूर सल्लासम ने भी यहां कुल्लकीन व नकीन फवाहली के अंदर जो इस्तेमाल किया वो भी इसी माना में इस्तेमाल किया क्योंकि जो मुतगी और परहेजगार होता है वह हर वक्त हर लम्हा हर काम के अंदर वह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लाम की अदाद करता है वह अपनी जान नहीं देखता अपनी ख्वाहिशात को नहीं देखता इन चीज़ों को नहीं देखता सुकून को नहीं देखता वो ताबे होता है नबी के फिया सौरी रहमत से पूछा गया कि आले मोहम्मद कौन है तो आपने फरमाया था जो आपकी अतात करे और आपकी सुनन का आमिर हो अब बात आपकी समझ में आ गई तो आल जो है तीन तरह की है हजूर सल्लाम की औलाद अजवाज खानदान वाले ये आल है मुस्लिम शरीफ में हदीस हैल्लाह से पूछा गया सलाम कैसे पढ़े आप पर तो आपने फरमाया तुम कहो अय्लाद पर सलात नाजिल फरमा आपकी अजवाज पे और जरूरीत पे जैसा तूने आल इब्राहिम पर सलात नाजल फरमाई तो इस, इस आल पर दरूद है यह जो आल है एक माना पहला इस आल के ऊपर दरूद पढ़ा जाता है नमाज में और सदका हराम होता है सदका जायज नहीं उनके लिए किसी सूरत में और दूसरा जो आपसे शदीद मोहब्बत करे जैसे सलमान फारसी इन पर नमाज में दरूद नहीं होता और सदका जो है वो नजायज नहीं लिए। तीसरी वो आल है जो आपके पैरोकार हैं इनमें तमाम उम्मीदी जो है वह शामिल है और इनमें नमाज में दरूद नहीं होता और ना ही ये जब गरीब हो तो सदका जो है उनके लिए नाजायज होता है कुछ फर्क वाजे हो गया तो सैयद शाह आले रसूल रहमत तीनों माना में आले रसूल हैं वो कैसे आप हजूर के खानदान से हैं एक दूसरा आप हजूर से शदीद मोहब्बत करते हैं इस तरह भी आल में दाखिल हुए तीसरा आप हजूर सलम के सच्चे ताबे फरमाना है इस तरह भी आप आल में दाखिल हुए तो भाई कुछ बात वाजे हो गई तो मैंने एक जिसमें बड़ा झगड़ा हो रहा था उस झगड़े को बड़े सादा अंदाज में आपकी नजर में कर दिया कि आल तीन माना में इस्तेमाल होता है और असल में जो आल बोला जाता है वो वो है कि जिस पर नबी जिस पर नमाज के अंदर दरूद पड़ा जाता है और सदका उसके ऊपर जायज नहीं होता बाकी जो दो हैं वो अगर अमीर हैं तो सदका जायज नहीं है और गरीब हैं तो सदका हो जाएगा अब बात कुछ वाज हो गई आगे चलिए आले रसूल हैं आल का माना तो समझ गया आल रसूल है किस रसूल की आल है क्योंकि आगे तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ तो यह बात याद रखिएगा कुरान मजीद के अंदर भी उसलूब यही है और हमारी लाइफ के अंदर भी है जब सिर्फ रसूल बोल दिया जाए रसूल वैसे तो तीन सौ तेरह हैं लेकिन जब सिर्फ रसूल बोल दिया जाए तो वह सिर्फ रसूल जो बोला गया आगे पीछे कुछ नहीं है तो वह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात होती तो इसलिए एतराज़ करने वाला कुरान की तलीम से नवाकिफ है कुरान का रसूल फिर तुम्हारे पास रसूल आ जाए तो भाई ये लिखा तो हुआ ही नहीं नाम रसूल तो तीन सौ तेरह है कौन सा रसूल आ जाए तो जब अल्लाह ने कहा तो रसूल तो वहां से वाजे तौर पर मुराद है मोहम्मद मुस्तफा मुतफ़ा की जात इसलिए जब या रसूल अल्लाह कहा जाता है तो लोग कहते हैं कि तीन सौ तेरह में से किसको बुलाया या किसे कहा कि तवज्जो करें तो वो नहीं जब आप रसूल बोलेंगे तो उसे मुराद मोहम्मद मुस्तफा मुस्तवासम की जात अब रसूल कहते किसे दो लफ्ज हैं कि एक नबी है एक रसूल है नबी किसे कहते हैं अब नबियों की तादाद में इख्तलाफ है एक लाख चौबीस हजार कमो बेश दो लाख छह लाख बेहतर जानता है तो नबी उसे कहते हैं कि जो शरीयत को आगे फैलाता है फिर बात समझे नबी हर नबी जो होता है वो रसूल नहीं होता लेकिन हर रसूल जो है वो नबी होता है अब रसूल कौन है रसूल वो होता है मैं जो तशरी कर रहा हूं वो से सुनिएगा रसूल वो होता है कि जो नई शरीयत लेकर आए या नई किताब और शरीय लेकर आए जा जब किताब आएगी शरीय तो आएगी तो जो शरीयत लेकर आए या नई किताब और शरीय लेकर आए तो मैंने या क्यों बीच में लगा वजह यह है कि किताबें तो सिर्फ चार हैं और पैम्फलेट जो है वो एक सौ सैंतीस हैं तो रसूल तीन सौ तेरह हैं तो फिर रसूल की डेफिनेशन किताब तो नहीं होगी ना क्योंकि किताबें कम हैं रसूल ज्यादा हैं तो रसूल की डेफिनेशन में शरीय अल्लाह उन्हें फरमा दे कि ये 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 कहा वो शरीय को चेंज करता है या वो किताब और शरीय नहीं लेकर आता तो आले रसूल से मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल है लफ्ज रसूल कुरने मजीद में इजाफत और बिना इजाफत के दो सौ चौंतीस मरतबा आया बात को समझ में आ गई तो आले रसूल आले नबी जिन जिनका हजूर सलि वाल वसलम से खूनी रिश्ता है अब आपके नाम के साथ आता है मारहरवी मारहरवी वो शख्स के जो मारहरा का रहने वाला है यह मारहरा जो है मुल्क हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश के जल, जिला ईटा का एक शहर है कस्बा है दहली से 200 किलोमीटर के फासले पर है गंगा और जमुना के दरमियान दुआबा हरी बड़ी फसल जो पानी ए, के किनारे पे पानी के करीब होती है वो जमीन में, में जो है वो अब जारी आसान हो जाती पानी होता है दरख्त होते हैं बड़ा सब्जा बड़ा उगता है जब पानी करीब होता है तो ये दुआबा हरी बड़ी फसलें दरख्तों के दरतों की कितारे, बागात आम के बाघों बेड़ों के दरख्त बड़ा आबाद था जी यादें इलाही के लिए यह जगह बड़ी मौजूद थी अगर ख्वाहिशात के ऊपर कब्जा है और यह इलाका स्वरूपगंज कहलाता था ऐसे अलाउद्दीन खिलजी ने उड़ा दिया इसे स्वरूपगंज को क्यों उड़ा उड़ाया, उड़ाया? इसलिए कि वो का वहां कब्जा हो गया था अब राहजनों को खत्म करने के लिए वहां फौज उतार दी गई राहजनों को मारा गया जब मारा गया तो यह सब उजड़ गया जब सारा शहर उजड़ गया तो वीराने में यह इलाका तब्दील हो गया तो छे सौ निन्यानवे हिजरी में खिलजी का जिलादार राजा मुनी राम मुनी जो है ना मुनी का लम्बा सुनो मुनी मुनी नहीं मुनी ये मुनि कमाना तो जाहिद होता है तो हिंदी के अंदर मुनि बोलते ना जो बड़ी तपस्या करता है बड़ा। तो राजा मुनीराम राम जो है ने स्वरूप गंज से हट के एक नई आबादी बनाई और ये आबादी चूंकि तबाही और बर्बादी के बाद बनाई गई थी इसलिए इसका नाम हो गया मारहरा अब बात कुछ समझ में आ गई तो मारहरवी रमत मारहरवी चूंकि आपका शहर इसलिए अब आ जाइए गुफ्तगु को आगे बढ़ाते ये तो था नाम का कुछ हिस्सा आदमी को जानने के लिए कम से कम तो यह जानना होता ना कि उसका बाप कौन है कम से कम क्योंकि बाप के जो जेनेटिक बाप से असर आता है बेटे के अंदर यह बात याद रखिए तो कम से कम बाप को तो देख ले तो आपके अभाव बाहों पर जलाशान हो वो आदात वो अतवार वो चीजें सब बात ये अक्सर लोग जो है कि कुछ जातों को घटिया करार देते हैं उसकी वजह उनके पेशे नहीं होते गौर से सुनिएगा ये जो जाते घटिया करार दे दी गई उनके पेशे ही नहीं है कुछ तो खैर पेशा है उतना ही बुरा है वो तो हालांकि वो पेशे बड़ी जातों वालों के अंदर भी हैं वो पेशे अब अगर कोई जूता सीता है तो ये जूतों का काम सैयद भी कर रहे हैं मेरी बात सुन कपड़ों का कारोबार बड़ी बड़ी आला खानदान के लोग कर रहे हैं लोहार लोहे का काम बड़े बड़े अमीर आदमी और बड़ी आला जात के खानदान वो लोग भी लोहे का काम कर रहे तो जिन पेशों को कम कहते हो वो पेशों की वजह से नहीं हो असल में होता क्या है कि उन पेशों में रहने वाले लोग अखलाक अखलाकियात के ऊपर ध्यान कम देते किरदार के ऊपर ध्यान जो है वो कम देते थे वजह ये थी तो वो फिर बाप से चलता 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 आगे भी औलाद में आ जाता है ये है वरना वही चीजें जो हैं है मुसीकी अब इल्म मुसीकी की वजह से अगर आप किसी को बदतर कहते हैं तो मैं आपको इतने गिनवा देता हूं कि जो जो मूजिद मुसीकी के माहिर थे फिर तो यह बात नहीं है तो अखलाक असल में यही वजह है कि इस्लाम के अंदर जिस पर तवज्जो दी गई वो अखलाकियात के ऊपर दी गई किरदार के ऊपर दी गई जिनको आप आला खानदान कहते हो वो आला खानदान क्या करता था बच्चे की विलादत के वक्त ही उसकी आदातव अतवार के ऊपर तवज्जो देते दे थे उसका रहन सहन उसका उठना बैठना सारी चीजों पर ध्यान दिया जाता एक एक चीज पर नजर की जाती तो इस्लाम देखता है इन्ना दल्लाही तो अब, अब आबा अजदाद को जब हम देखते हैं तो एक नाम जिस नाम के तारुफ की जरूरत नहीं है कि इंसान देख लेता था तो द, हैबत में मुबतला हो जाओ हजरत जैन बदन जिन्होंने करबरा का वाक्य आप नजरों के सामने देखा और जिन्होंने उम्र अपनी रोते हुए गुजार डाली इमाम के लखते जिगरते तो हज के नबी का बेटा आ रहा है। चला तो हजरत शहीद कर दिया गया जब हजरत जैद को शहीद कर दिया गया तो आपकी औलाद फिर वहां से बसरा चलेगी बसरा के अंदर कुछ अरसा वहां रहे बसरा से फिर आपकी औलाद जो है वासित में आई तो वासित में जो आए तो वो सैयद अली इराकी रहमत ये बसरा से वास्तित में आए थे वासिद आपको पता है कि हजाज बिन यूसुफ ने इस शहर की बुनियाद रखी थी हजाज बिन यूसुफ ने बहुत सारे काम ऐसे हैं बुरे काम भी हैं उसके बड़े साहबा उसने मारे शहीद किए हैं कुछ काम उसके अच्छे भी हैं हजाज बिन यूसुफ ने सात में इसकी बुनियाद रखी अब ये वासिद शहर के अंदर सैयद शाह अली रसूल रहमत का खानदान रह रहा है ये यहां बसता रहा रहता रहा आखिर महमूदी का दौर आ गया महमूदी कीजनी में आए यहां आकर आपने देखा माहौल को कुछ अर्सा यहां रहे रहने के बाद अपने तीनों बेटों को यहां सेटल करके खुद अपने एक बेटे सैयदुद्दीन के साथ वापिस चले गए वासिद के अंदर तीन बेटे आपके जो है यहां रहने लगे और सैयद अबू फिरास सैयद अबुल फज़ाइल और सैयद दाऊद और ये तीनों फिर अब्बा की इजाजत के साथ गजनी भी ना रहे बल्कि वहां से हिंदुस्तान चले जाए सैयद मोहम्मद सगरा रहमतुल्ला जो पोते हैं सैयद हुसैन बिन सैयद अबुल फरहसानी के इनको सुल्तान शमसुद्दीन अल तुमिश ने अल तुमिश ने राजा बल जिसका नाम सीरी था उसकी सरखूबी के लिए भेजा अब जो है वो हिंदुस्तान से तारीख शुरू होगी सैयद सैयद शाह रहमत की कौन सैयद मोहम्मद ये बहुत बड़ा अहम नाम है सैयद सईद रसूल रान के खानदान के अंदर यहां से चीज जो है वो आगे चल रही और वासी होती जा रही तो सैयद मोहम्मद सुगरा रहमत हाशमी खून मोला अली का खून अब और जहाद करने के लिए बढ़ा क्यों वो राजा जुलम करता तो ये जो सीरी था ये राजा राजा बलग्राम ये जुलम करता था कहा इसके जुल्म को खत्म किया जाए तो ये सैयद का खून ये सैयद आगे बढ़ा अब बलग्राम में आप पहुंचे अब बलग्राम की जो है वजह तस्वीर जो मेरी तहकीक है वो मैं बयान करूंगा एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगा आप सब लोगों के साथ देखिए जब मैं तहकीक करता हूं तो सबसे बेहतर उस हस्ती के ऊपर वो बोल सकता है जो उनकी नस्ल से है यह बात याद रख लीजिए और उसके बाद वो बेहतर बोल सकता है कि जो उनका मुरीद और खलीफा है हम लोग इतना दूर बैठे होते हैं हमें हमें वही बोलना है जो हमारी तहकीक में आया और अब ये तहकीक में तहकीक वहीं से करेंगे जो हमारे पास किताबें होंगी ठीक है तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन के अंदर और तहकीक में हो सकता है क्योंकि सबसे बेहतर तहकीक वही करेगा जो उनकी औलाद का है अब यह बलग्राम का लफ्ज जो है जब मैं इसको तहकीक करने लगा तो यह बलग्राम जो है यह दो लफ्जों का मजमु है एक बल एक ग्राम गाफ के नीचे जेर है अब यह बल क्या है तो मैंने लफ्ज बल की हिस्ट्री निकाली और यह बात याद रखिएगा हर लफ्ज की एक हिस्ट्री होती है ये कब लागू हुआ और इसके माना उस वक्त क्या थे और अब क्या है ये बल जो इसके अंदर बहुत से देवता का नाम बैल था और असल में यह बैल जो है बॉल था बी एल और इसका माना जो है उनकी जुबान के अंदर होता था लॉर्ड मास्टर तो बहुत से ये, ये मजहब जो है ये पांच हजार साल कबल मसीह का है और ये मजहब आज के दौर में अगर आप ढूंढना चाहें तो कहां था इराक कोवैत और तुर्की इन जगहों के अंदर ये मजहब था तो बैल असल में बाउ था ये बड़ा पावरफुल देवता था और इनका अकीदा था कि जमीन के अंदर जो फसलें उगाई जाती हैं यह इसी देवता की वजह से होती है जिसका नाम बाऊ है और यह लफ्ज आपके अंदर आपको ईसाइयों की किताबों में मिलेगा यहूदियों की किताबों के अंदर भी मिलेगा बाद में क्या हुआ कि ये बाउ जो है ये दोजक के ताकतवर देवता का किंग का नाम हो गया और इसकी जो शकल बनाएगी अगर आप जाकर देखेंगे बाउ की इसकी जो दखत है बैउ या बाउ बाउ इसकी जो शक्ल है वो इंसान का सर साथ में बिल्ली का सर उसके साथ एक मेडिक जो है उसका सर और जब इसके आप पाऊ देखेंगे तो पाऊ जो है वो स्पाइडर की तरह और ये आवाज जब निकालता है तो आवाज इसकी घोड़े की तरह होती है या जैसे आदमी हो करके ऐसे करके बोलता है ना वो आवाज इससे निकलती तो बलगिराम जो है बल अब बल अगर पुराना लफज ना लिया जाए बल्कि हिंदुस्तान की जो जुबान है संस्कृत के अंदर इसको ढूंढा जाए तो फिर बल का माना होता है ताकत गुरूर घुमंड और अगर इसको हिंदी में देखा जाए तो इसको बिल भी कुछ लोग पढ़ते हैं तो बिल का माना होगा सुराख वैसे बल अरबी में भी आता है इसका मना हरफ अतफ होता है अब आ जाइए गिराम गिराम का माना क्या है तो गिराम जो है ये संस्कृत में इसका माना होगा गौ करिया गिराम का माना तो अब दोनों को बल गिराम को मिला के देखें तो क्या माना बनेगा अगर बल का माना वही है जो मैसा के अंदर था देवता तो फिर ये होगा कि बल गिराम ऐसा गौ ऐसा कहिया जो बल देवता का है और ये माना भी बिल्कुल ठीक लगता है इसलिए कि मैंने एक हिस्ट्री के अंदर यह पढ़ा है कि इस जगह के अंदर एक बुत था इसी नाम का जिसको एक वरी कामिल ने मार डाला था यानी वो जालिम था रोक्षस था उसे मार डाला तो फिर भी सही हो गया बलगिराम और अगर इसे बल से मुराद ताकत और घुमंड लिया जाए तो बलगिराम वो गांव के जिसके अंदर एक जालिम की ताकत थी और उसका गुरूर और घुमंड सैयद शाह आले रसूल रहमतुल्लाह के खानदान ने तोड़ दिया तो तब भी बलगिराम सही है और अगर इससे मुराद बिलग्राम पढ़ा जाए तो बिल का माना हिंदी में सुरा होता है तो बलग्राम के अंदर मुसलमानों की तादाद जो है वो अड़तालीस फीसद है सैयद मोहम्मद सुगरा आपके खानदान में जो बलग्राम के फाते हैं तो सैयद मोहम्मद सुगरा हैं आपके खानदान में जो बलग्राम के फाते हैं इनको वो तमाम अलाका जगीर में दे दिया गया आप वहां के हाकिम हुए तो सैयद मीर अब्दुलवाहिद बलग्रामी राहतल आला तक ये खानदान वहीं रहा कुछ बात समझ में आ गई तो पता यह चला कि सैयद शाह अले रसूल चंदों पर अमीर होने वाले नहीं है आपका खानदान जो है उन्होंने मुल्क इसको फतह किया और यह जगीरें जो है वह आपके नाम थी तो सैयद शाह अले रसूल के खानदान के अंदर फिर सैयद मीर वाहिद ला ला, ये एक बड़ा अजीम नाम आता है तो यह सैयद मीर सैयद अब्दुल जलील बड़ा अजीम नाम है तो साहबजादा सैयद अब्दुल जलील रमत इस खानदान के पहले फर्द हैं जो जो एक हजार सत्रह हिजरी में मारहरा तशरीफ तो लाए अब आ गया यह खानदान कहां कहां चला तो मारहरा के अंदर जो तशरीफ लाए हैं वह सैयद अब्दुल जलील रहमतुल्ल आप अपने वालिद के ही मुरीद थे अपने वालद ग्रामी के मुरीद और खलीफा भी थे उन्हीं से फैज लिया बारह साल तक आप जंगलों में रियाजत करते रहे मुजाहिदा करते रहे कहां कहां रहे कहां कहां गए क्या, क्या क्या कुछ हासिल किया कुछ ऐसे मुरीद होते हैं ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी तब, जिनकी तरबियत गैब आकर करते खदीरा अलैहि सलाम आकर करते बारह साल के बाद आप पलटे जब आप मारहरा के लोगों को यह पता चला कि सैयद अब्दुल जलील रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले आए हैं आप खुद गए सब बड़े बड़े लोग मारहरा के गए और जाकर हजरत को लेकर आए बड़े इज्जत और एहतराम के साथ आपको गांव में वापस लाए वहां आपके क्याम के लिए खान का जो है वो तमीर की गई इकतालीस साल तक सैयद अब्दुल जलील रहमतल्लाए आप अपनी रूहानियत से लोगों के लोगों को ईमान देते रहे जिनको मिल गया उनका मजबूत करते रहे और जिनमें अभी कमजोरी है उनको ताकत देते रहे बढ़ाते रहे आपने दो निकाह फरमाए एक बलग्राम में और उनके बतन से अल्लाह तला ने आपको चार साहबजादेता फरमाए तो सैयद शाह उवैस रहमत यह सैयद अब्दुल जली रहम्ला के बाद ज्यादा नशीन हुए आपने जारी और बाती अपने वालद ग्रामी से हासिल किए सैयद अलाउद्दीन बल गिरामी रहमतुल्ला की दुख्तर से शादी की और अल्लाह ने तीन साहबजादे आपको अता फरमाए बड़े साहबजादे का नाम सैयद शाह बरकतुल्ला तो सैयद शाह बरकतुल्ला रहमतल बड़े साहबजादे हैं सैयद शाह वैस रहमत आपने बहुत से उलिया से फैस लिया फैस पाए और आखिरकार आप वापस मारहरा में तशरीफ लिया फारसी के बुलंद पाया के शायर थे हिंदू महक का कहना है कि आप इलम मसीकी के माहिर थे सत्तार और राग में महारत तामा रखते थे आप अब देख लीजिए तो ये मसीकी इमसीकी बड़े बड़े वलियों के पास है और आप उत्तदा में चिश्ती सिलसिला से ताल्लुक रखते थे मुझे लगता है कि इसी वजह से आप इल्म मसीकी से लगाव रखते थे फिर उसके बाद काल पी गए आपकी मुलाकात सै शाह फजल रहमतल्ला से हुई उन्होंने आपको कादरी सिलसिला में दाखिल कर दिया अब आपने वो इलम मसीकी और वो सारी चीज़ें वो आलाद सब छोड़ दी और यहीं से फिर आगे आपके खानदान के अंदर कादरी सिलसिला जो है वो शुरू हो गया आपके मानने वालों में हिंदू भी और मुसलमान भी यही होता है ओलिया का औलिया जो होते हैं वो उनको बदमजहब और दूसरे लोग भी क्यों मानते हैं उनकी इज्जत क्यों करते वजह यह है कि वो जो तबलीग करते हैं जो वो जिंदगी गुजारते हैं उनका एक ही मकसद होता है कि इन लोगों को वो जात बता दी जाए कि जिस जात ने इनको पैदा किया है बस और वो जात क्या चाहती है ये चीज इनके ऊपर वाजे की जाए उसके अंदर इनका फायदा है तो जब ये सामने रखकर गुफ्तु आप लोग करते हैं और लोगों के साथ मिलते रहते हैं तो फिर दीन इस्लाम बढ़ता है आगे और अगर हम हम अपनी जमात सामने जब रखते हैं ना तो जमात को सामने रख के जब तबलीग करते हैं तो ये बात याद रखिएगा माजरत के साथ मैं कहता हूं कि जब जमात को सामने रख के कोई तब्लीग करता है फिर वह झूठ भी बोलता है क्यों इसलिए कि आप उसका मतमा नजर जमात को बढ़ाना होता है तो वहां से फिर आगे तासुब पैदा होता है वहां से फिर आगे लड़ाई और झगड़े पैदा होते क्योंकि अब जमात बीच में आ जाती है तो और क्राम और सूफिया कराम से सिख भी हिंदू भी ईसाई भी सारे ये सब प्यार क्यों कर इसलिए कि उनके नज़दीक ना अपनी जात होती है ना जमात होती है उनके नज़दीक वो जात होती है जिस जात ने कायनात को पैदा किया और वो इस अंदाज से लोगों को समझाते हैं कि लोग उनके घर हो जाते हैं कुछ समझ में आई बात सैयद महमूद बल गिरामी की साहबजादी वाफिया बीवी से अकद हुआ अल्लाह तला ने इनसे दो साहबजादे अदा फरमाए सैयद शाह आले मोहम्मद और सैयद शाह नजात तो शाह बरकतुल्ला रहमतल ने शायरी भी फरमाई तस्वु में बहुत कुछ तहरीर किया आपने और रूहानियत में तकरीबन मशहूर सलासिल से आपने फैस पाया चिश्तिया कादरिया सौरावर्दिया नक्शबंदियाबुलइया मदारिया मदया हर सिलसिले के फ्यूज बरकत लिए वहां उनके जो मशहूर वजायफ होते थे वो लिए आपकी बड़ी ममता थी बादशाह जो थे वो न्याजमंदी का इजहार करते औरंगजेब आलमगीर से लेकर मोहम्मद शाह तक ये लोग न्याज नामे भेजा करते थे और बहुत से अफराध जो है उमरा के जो हैं वो भी आपकी बैत हुए है अबा वजदाद से आपको अंदाजा हो गया कि सईद शाह आल रसूल के अंदर कितनी खसूसियात होंगी आपकी अबा उजदाद दीन और दुनिया दोनों में हाँ की थे यह बात याद रखिए दोनों में हाकी मवादल था दुनिया में बादशाहत मिली आपको हुक्मरानी करते रहे और दीन के अंदर अल्लाह ने आलिम बमल बनाया और दीन की तबलीग भी करते आपकी शहरत मुरीदीन के जरिए तलाबा के जरिए से दूर दराज तक फैली हिंदुस्तान में तस्वुफ की तलीम तरबियत के लिए खानका खुली रहती मोहम्मद शाह ने खानका के अखराजा की मदद के लिए दो गांव वक्फ कर दी कि ये दो गांव जो ये आपके लिए वक्फ। तो आप उसकी वहां से जो आमदन होती वह फिर गरीबों के ऊपर जो है वह तकसीम कर देते यह नहीं था कि वह खानका के अंदर जितने सूफी रहते हैं उनसे फीस ली जाती है तीन तीन हजार नहीं गांव जो है ये उन पर सर्फ किया जाता यहां की जो आमदन है वो उनके ऊपर सर्फ की जाती तो यह क्राम जो है आजकल आप अगर गौर करें तो बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं जी हम पैसे नहीं लेते जबकि वो उनसे भी ज्यादा पैसे ले रहे होते हैं जो पैसे लेते हैं आप कभी उनकी जिंदगी पर गौर कीजिएगा यह बेचारा आम मौलवी जो है आ, दो हजार लेता होगा तो कितने बन जाएंगे साल के बारह दुना चौबीस हजार तीन हजार लेता होगा कितने बन जाएंगे भारत छत्तीस हजार चले चालीस हजार डॉलर लगा लीजिए वो बेचारा साल में चालीस हजार डालर ले रहा है और जो पैसे नहीं लेता किसी से वो एक ही महीने के अंदर मिलियन दो मिलियन ले लेता है तो फिर ज्यादा किसने लिए लेकिन वो तरीका कार ऐसा होता है जी हम पैसे नहीं लेते वो पैसे ले रहा होता है लेकिन उसका तरीका ऐसा होता है कि अगर वो आपसे पैसे लेगा तो आप दो हजार देंगे तीन हजार देंगे इससे क्या फर्क पड़ेगा तो फिर क्या तरीका इस्तेमाल किया जाता है मुझे अच्छी तरह याद है एक साहब लंदन में मोदी साहब आए तो एक साहब ने कहा हुजूर दस हजार मैं आपको देता हूं कहने लगे नहीं नहीं मैंने नहीं लेने मैं नहीं लेता पैसे ये कैसे हो सकता है अगर पैसे नहीं लेता तो उसका गुजारा कहां से चल रहा है तो उसने कहा जी मैं पैसे नहीं लेता आप हमारे मदरसे को दे दीजिए वो जब मदरसे में तो जब वो दे रहा था तो थोड़े दे रहा था वो ले लेते तो थोड़े होते अब वो जब मदरसे में पहुंचा तो उसने और ज्यादा पैसे दिए नगद पैसे भी दिए और वो आठ लाख लगाकर बिल्डिंग भी बनवा दी तो पैसे किस तो अब मदरसा किसका है मौलवी साहब का सारे पैसे कहां जा रहे हैं काउंट के अंदर तो कौन इस्तेमाल करेगा मौलवी साहब इस्तेमाल करेंगे और तो किसी की जरूरत ही नहीं है कि अकाउंट को छेड़ सके या तो यह ना कि अकाउंट पब्लिक का है नहीं तो पैसा नहीं अगर कोई लेता इस जुमले में सच्चा है तो वो सिर्फ सूफिया थे जिनकी खान कहां थी इसके अलावा कोई आदमी सच्चा नहीं है वो किसी ना किसी बहाने से आपसे पैसे कमा रहा है बल्कि वो उससे ज्यादा कमा रहा है जो बेचारा मौलवी मस्जिद में खुतबा देता है नमाज पढ़ाता है और तीन हजार आपसे ले रहा है उसे वो ज्यादा ले रहा है वो लेकिन उसका तरीका डिफरेंट है औलिया और सूफिया कर वाहिद हैं जो अपने घर के पैसे भी खान का ऊपर सर्फ कर देते मैं अच्छी तरह जानता हूं तीर महल के अंदर एक हमारे मुफ्ती वसीम साहब जामिया से फारिग है घर उनकी वालिदा रोटी पकाती है मस्जिद के तुलाबा के लिए और उनकी अपनी गंदम जो है वो साल की लग जाती है उसके अंदर ये होते हैं यह सूफिया के रामिया है तो सैयद शाह रसूल रमत आल आपके खानदान के लोग पैसे जो हैं वो जो मिलते हैं वो खानक में सरफ़ कर रहे आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी, रिसाल चौार अनवा रिसालय सवाल जवाब अवारफ़ हिंदी दीवान इश्की, फ़ारसी के अंदर है मसनवी रियाजिला शकीन वसीयतना ब्याज बातम ब्याज ज़ाहिर रिसाल तकसीम फिर अल्लाह तौल ने आपके ऊपर करम की जब आप दीन के अंदर लग जाते हैं फिर अल्लाह ताली करम फरमाता है अल्लाह ताली अपने प्यारों की चीज़ें तुम्हें अदा फरमाता है वो वज़ायफ की शक्ल में हों उनसे मनसूब हों अल्लाह तकू सल्ला के मुए मुबारक अदा फरमाए

सात मन के हैं ये ले लो सात मन के दिए और एक दस्तार जो है वो पगड़ी दस्तार जो है वो मामी वो भी दिया और कहा आपने मुर्शिद को दे देना वो जब सलाम करके और उसमें शिरकत करके वापस पहुंचे जब सैद शाह बरकतुल रहमतल्ला के पास पहुंचे तो जब मन के दिए मन के लेके और दस्तार लेके आपने फरमाया तुम जानते हो कि वह बंदा कौन था जानते हो वो जो खेत में खड़ा था वो कौन था का दूर आप जाने फरमाना कि वो भूअरी शाह कलंदर थे और यह सात मन के उन्होंने दिए हैं अल्लाह अकबर जल्ला शाह तो ग्यारह सौ बयालीस हिजरी में शाह बरकत रहम्ला का विशाल हुआ और आप जाते हुए लोगों को निशानी और हाथी दिए गए वह हैं सैयद शाह अले मोहम्मद रम्मत आप सैयद शाह बरकत के बड़े बेटे शकीर्द भी हैं खलीफा भी हैं और जानशीन भी आपकी शादी हुई आपके चाचा सैयद शाह अजमतुल्ला की साहबजादी से सैदाह गनीमत फातिमा अल्लाह ने दो साहबजादे अदा फरमाए सैयद शाह हमजा रहमत ये सैयद शाह अले मोहम्मद रहमत के बड़े साहबजाद ये शाह हमजा रमत जो है ये दादा हैं सैयद शाह रसूल के आपनेजहरी और मोलवी बाकिली से पढ़े अपने वालद ग्रामी से पढ़े और तिब हकीमत से हासिल किया सैद शाह रसूल के दादा ने आपको सैयद शाह अले रसूल रहमत के दादा को इलम से मोहब्बत थी और यह इलम जानना बहुत जरूरी होता है जाहल को अल्लाह तस्त नहीं बनाता और जब दोस्त बनाता है फिर चाहल रहने नहीं देता लेकिन यह मकान कम ही हासिल होता है इसलिए पहले इलम पढ़ो जहां आपको मालूम पड़ता जो वहां किताबें हैं वहां से किताबें मंगवाते और खुद कुछ किताबें खुद लिखते और जब किताब पढ़ रहे होते तो उसके साइड के ऊपर हवाशी जो है हाशी आप लिखते जाते फवाद तहरीर फरमाते जाते अकबर जल्लाशर नवाब अहमद खां बंगश ने दीन इस्लाम की तबलीग के लिए क्या आपके लिए आसान हो जाए कई गऊँ आपकी नजर कर दिए फिर वही अब ये जो कई गऊ नजर किए थे ये आपने उस गऊ की जो आमदन है अब वह तुला के ऊपर सर्फ हो रही से नहीं फीस ले रहे पे खर्च हो रही खानका में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर खर्च हो रही तो आप पर अल्लाह का करम हुआ अबाई तबरुक के साथ साथ और तबरुकात भी मिले आपके पास भी स्युर्ण स्युर्ण का हजूर मुबारक कदम शरीफ का निशान वो जैसे आप उम्र करने जाते देखते हैं देखते हैं बदता वो कदम का निशान था आपके पास कितनी बरकतें हैं सैयद शाह अली रसूल के खानदान में और नालायन मुबारक है ना हजूर के में से एक जो है वह आपके पास था अल्लाह और हजरत बिलाल से यह चलता 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 जमालुद्दीन के जरिए से आप तक पहुंचात अली के मजार की ईंट थी आपके पास हजरत घोषपाक की लिखी हुई बिस्मिल्लामान रहीम थी आपके पास ये जरा बातें सुन लो ताकि मालूम हो कि क्या चीजें खून के जरिए से सैयद शाह रसूल रहमत में शामिल हुई यह बातें जानना बहुत जरूरी है और आपकी शादी सैयद मोहम्मद मोहसन मोहसिन बल गिरामी की साहबजादी दयान फातिमा से हुई अल्लाह ने तीन बेटे अदा फरमाए सैयद शाह बरकात सुथरे मियाँ आप सैयद शाह हमजा के मजलें साहबजादे मुर्शिद और हजरत के वालिद गिरामी हैं अल्लाह ताला ने आपको आलिम बाप अदा किया जो वक्त का वली है, कामिल है घर ही के अंदर इलम का मंबा है अपने बाप से जहरी और बातनी हासिल वालिद ग्रामी ने आपको खिलाफत दी और सैयद शाह रसूल के वालिद ग्रामी को मस्जिद से इतनी मोहब्बत थी सिर्फ तीन रोज बसब अलालत मस्जिद में ना जा सके इसके अलावा आपने हर नमाज मस्जिद में अदा की और जमात के साथ अदा की अब बड़े इबादत गुजारते मस्जिद में इबादत करते नमाज के बाद वजाइफ में मशगूल हो जाते जो आदमी मस्जिद के साथ रहता है एक नमाज पढ़ के गया फिर उसका माइंड जो है वह मस्जिद की तरफ रहता है मेरे नबी ने फरमाया ऐलान कर दो उसके ईमान की तस्दीक कर दो मोमिन है सच्चा मोमिन है यह मैं खुलासा बयान कर रहा हूं क्योंकि हजूर ने उर्दू में तो नहीं ना कहा तो मस्जिद यह आपके लिए सुन लीजिए सब लोग हम लोग कहीं भी मिले नमाज पढ़ लेते हैं मस्जिद में जाओ और जमात के साथ नमाज अदा करो क्योंकि एक हदीस का जो है वो खुलासा ये है कि ये नमाज जो है जमात के साथ अदा करना बहुत जरूरी होता है मुनाफी को होगा जो छोड़ेगा और मरीज ही होगा जो छोड़ेगा बाकी कोई छोड़ता नहीं तो मस्जिदों के साथ वोबस्त की क्रूज है इसके अंदर सीट को पक्का करना है आपको कुरने मजीद पढ़ने का बहुत शौक था कम अज़ कम दस बारह रोजाना पढ़ते इसके अलावा वज़ाइफ नवाफिल तालीम और तबलीग भी जारी रहती शायरी भी फरमातेब के भी माहिर थे जो दौलत आती सूफिया के लिए सर्फ कर देते इबादात के लिए इमारतें बने पैसा जो आता इमारत बना देते कि हाँ लोग रहें बैठें और इबादत करें आपने दूसरा वक्त किया बीबी फजल फातिमा से अल्लाह ने इनसे तीन बेटे अता फरमाए सैद शाह रसूल मुर्शद आला हज़रत आप साहबजादा हैं सैयद शाह आल बरकत रहमतुल्लाया आपको असल मकाम के ऊपर यहां लाना था आपको लेकिन यह बहुत जरूरी है और मैंने बड़ा जरूरी समझा कि मैं आपको यह बयान करूं कि यह खून कौन सा है क्योंकि आप लोग आप जानते हैं कि इबादत का हुक्म क्यों दिया जाता इसलिए जब आदमी इबादत करता है तो उसके अल्लाह ताला के नामों अल्लाह ताला की इबादत के असर इंसान के खून में जाते हैं और वो चलते 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 आगे की नसल में दाखिल होने लग जाते इसलिए जब शादी हो जाए अब छोड़ दो जो जुर्म किए हैं बच्चे की विलादत से पहले इतनी इबादत करो इतनी इबादत करो कि वो बच्चे के ऊपर तुम्हारी इबादत के असरात जो है वो नजर आए याद रखिए अब मैं आपको लिया सईद शाह अली रसूल रहा के खानदान को जान लिया आपने हाकिम भी है आदिल और आलिम भी हुकूमत की है दीन के अंदर दुनिया के अंदर दीन के अंदर हुकूमत क्या होती है यानी अल्लाह ने आलिम बाबल बनाया उस्ताद बनाया सैयद शाह रसूल देखिए अला हजरत के जो मुर्शिद के अबाव इजदाद हैं दुनिया के लिहाज से हाकिम है और दीन के लिहाज से आलिम है आदमी के पास कनात और दौलत ना हो ना तो कमीना हो जाता है और अगर इलम ना हो तो तंग सीना हो जाता है ये दोनों चीजें जरूरी होती तो अल्लाह तला, तला अपने वलियों को दौलत दे देता है कनात दे देता है दौलत मिल जाए किसी के पास कनात होती दोनों सेम से ही कनात और दौलत बराबर है और इल्म उससे सीना हो जाता रजब नौ हिजरी में पैदा हुए सैयद शाह रसूल हजरत मारहारा में अजीम बाप के यहां मुस्तकबिल के अजीम सबूत ने जन्म लिया वालिद ग्रामी का नाम सैयद शाह अले बरकत और वालिदा का नाम बीबी सैद फजल फातिमा जिस बाप का ताल्लुक मस्जिद से हो मस्जिद से रहे अल्लाह करम फरमा दे ठीक होती है जब उसकी तो बेटा इसमाइल जैसा ताब फरमान पैदा होता सईद शाह बरक जिंदगी के सिर्फ तीन रोज मस्जिद में नहीं गए बाकी मस्जिद से वावस्ता रहे उस अजीम बाप का यह सपूत किस अजमत का मालिक होगा सैयद शाह रसूल के घर के अंदर यह अमल शुरू हो गया ये लोग जो होते हैं ये किरदार अपना वो अपना लेते हैं कि जिसका असर बच्चे के ऊपर पड़ता है और बच्चा उन चीजों को पहले से सीख लेता है मुसलमानों के बच्चे हों और तलीम ना हो हम उसे इब्तदाई तलीम कहते हैं लेकिन उनके यहाँ उसे मियाँ जी की तलीम कहते हैं मियाँ जी की तालीम भी इब्तदाई तलीम कहते हैं, प्राइमरी एजुकेशन जो है ना तो ये मियाँ जी की प्राइमरी एजुकेशन है मियाँ जी की तलीम बोलते थे अला हजरत तजीमरकद मदर रजाबरेली रहम् के मुर्शद आजम मियाँ जी की तलीम चार साल के बाद शुरू है यानी वो इब्तदाई तलीम इब्तदाई तलीम में अगर अली तलीम याफ्ता मिल जाए तो नई नस्ल अच्छी तैयार होती इसलिए जितने भी लोग मदारस बना रहे हैं या स्कूल बना रहे हैं तो मैं अरज ये करना चाहूँगा कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना हम ये पहली दूसरी तीसरी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड इसके अंदर ज़्यादा वली कामिल ज़्यादा पढ़े लिखे बंदे की ज़रूरत है हम क्या करते हैं कि जो एम में, में गया उसके लिए नहीं नहीं नहीं, नहीं ये ये, ये, ये कभी गौर कीजिए अगर अल्लाह तला ने ताकत दी तो हम ऐसा ही करेंगे जो बच्चा पहली जमात में है जो बच्चा दूसरी जमात में है चाहिए कम अज कम वहां डॉक्टर चाहिए मास्टर डॉक्टर चाहिए क्यों असल अब उसने सीखना है इन तीन सालों के अंदर आगे जाके तो देखी जाएगी इन यही वजह है कि हमारे औलिया कराम और सूफिया कराम जब अपने बेटे को इब्तदाई तलीम मिया जी की तलीम जब पहली तलीम चार साल चार महीने चार दिन के बाद दिलाने लगते थे तो वह ढूंढते थे क्योंकि वलिय कामिल मिले वलिय कामिल मिले क्यों इब्तदाई तलीम के अंदर यह नहीं है कि दस पास को वहां खड़ा कर दो नहीं किया पी एच डी किया है। या अगर पूरे पीरियड नहीं तो कम से कम एक पीरियड उस आदमी का जरूर होना चाहिए खैर इब्तदाई तलीम जब आपने हासिल की तो आपको तो टॉप के आदमी मिले सहमत को अलामा हक अब्दुल मजीदी रमत भोलाना शाह सलामत रहमै और ये खानक बरकातिया के अंदर ऐसे उस्ताद आपको मिले इब्तदाई तलीम जब आपने पढ़ लिया अब अला तलीम के लिए आप फरंगी महल गए ये फरंगी महल का लफ्ज बड़ा अजीब सा लफ्ज है उन लोगों के लिए खासतौर तो पर जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और अभी के हैं ये फरंगी महल क्या होता भाई फरंगी महल के साथ दीन की तलीम का कॉन्सेप्ट जो है वो एक अजीब सा लगता है लेकिन नहीं मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री हिस्ट्री बता दूं ताकि पाकिस्तान के लोग या जो आज के लोग जो हैं वो फरंगी महल को समय फरंगी महल क्या हाँ है तो ये जो फरंगी है ये या तो नस्बत की लगी ना असल में ये फ्रांक का है फ्रांक फ्रांसीसी जुबान का लफज है फ्रेंच उससे जब फारसी में आया तो फ्रंक बन गया तो फ्रांक इसे कहते हैं यूरोप को तो फरंगी यूरोपी जो यूरोप का रहने वाला है तो यह जो फरंगी महल है यह जो पैलेस है नॉयल ने बनाया था यह फ्रांसीसी था जबरदस्त तामीर का यह माहिर था और जो इसने ये महल बनाया भी पीस बना दिया, उसके बाद जो है औरंगजेब कर और आलमगीर के दौर के अंदर इसको गवर्नमेंट को दे दिया गया ये महल। जब गवर्नमेंट को दिया गया तो औरंगजेब ने अपने जो मजहबी मशीर थे उसके, अमूर के अमीश, मशीर थे मुल्ला असद बिन कुतुबुद्दीन और इनके भाई इन दोनों को जब दे दिया तो इन दोनों ने क्या किया कि उस अजीम और मशहूर बिल्डिंग को दीन इस्लाम की तालीम का मरकज बना दिया और वहां चुन चुन के बड़े बड़े अल अला उसद जो है वहां मुकर्र कर दिए तो अब दूर दराज से लोग आकर फरंगी महल के अंदर आकर पढ़ा करते थे अब कुछ समझ में आई कि यह पूरा महल जो है वह ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कंपेयर हुआ कि उसके बराबर ये उस दौर के अंदर यह बन गया तो यहां आला तरीम हासिल करने के लिए सैयद शाह अल रसूल रहमत महल में अब समझ में आ गई कि ये उस दौर के अंदर बड़ा टॉप का मदरसा था बहुत जबरदस्त यूनिवर्सिटी थी यहां आपको मौलाना अनवर अहमद रहमला रह, मौलाना अब्दुलवासमाना रह, शाह रह, नुर रत जैसे उलामा मिले आपने कुरान सीखा हदीस सीखी फिक सीखी ये इल्म ये सारी चीजें आपने वहां पढ़ी उस दौर के अंदर जो उलामा होते थे वो तिब भी सीखते थे जैसे हमारी नानी हमारी दादी परदादी इनको तिब की चीजें भी याद होती कोई बीमार हो जाता ये बच्चे को ये दवाई दे दो अभी या ना बच्चे को ये दे दो तो उलामा जो हैं वो इल्म में तिब सीखते थे आपने अपने वाले गरामी से ये तिब सीखी ये तिब चलती आ रही थी आपके खान के खानदान के अंदर उसके बाद बायत और खिलाफत जब आप पढ़ चुके हो, तो बायत और खिलाफत जो है ये बड़ी जरूरी होती है ये बात याद रखिए कुछ लोग अक्सर मुझसे सवाल करते हैं जनाब हम किसको पीर बनाएं किसे पीर बनाए हमसे पूछने की जरूरत नहीं है मैं तो एक आप तक मैसेज पहुंचाने वाला हूं कुछ भी नहीं हूं आप अल्लाह से दुआ करो तहजद के वक्त तो उठो और दुआ करो मालिक मुझे हादी और रहबर दे मुझे जरूरत है तो यही मैं कहते ना नीचे नजर आए और वली ढूंढ रहे हैं नजर जरा बुलंद तो करो अल्लाह तला तो तुम्हें कोई ना कोई हादी और रहबर दे देगा दे। वो तुम्हें बताने लग जाएगा तो परेशान मत हो इस तरह ढूंढते रहो नीचे देख के ढूंढ रहे हो बुलंदी की चीज को जब तुम किसी के पाऊं में देखते हो तो फिर उसका चेहरा नजर नहीं आता थोड़ी सी ज़रा नजर बुलंद करो बायत और खिलाफत आपने बात करी अपने ताया जान सैद आल अहमद अच्छे मिया की उन्हीं के सिलसिले से बात हुई वैसे तो आपको अपने वाली ग्रामी से भी थी लेकिन आप जब भी बाय किसी को करते तो ताया जान के सिलसिले में करते आपके पास तमाम सलासिल की इजाजत थी कादरिया बरकातिया कादरिया अबाया कादरिया हिदिया कादरिया रजाखिया कादरिया मंसूरिया चिश्तिया निज़ामिया कदीमा चिश्तिया महबूबिया जदीदा सौरा वाहदिया सौरा फजलिया नक्शबंदिया आलाइया सदीकिया नक्शबंदिया अलाइया आलावी बदिया अलाविया मनामिया आपके पास और वो वज़ाइफ के जिर को हासिल करने में इंसान की जिंदगी गुजर जाती वो वजाइफ आपके रोजमर्रा के अंदर वो शामिल थे वो वायफ ये बड़ी बात होती बड़े अरसे के बाद अभी वज़ायफ़ है मैं जाता हूँ किसी मुल्क में गया वहां से कोई एक वजीफा मिल गया उस मुल्क में गया वहां से वजीफा बुजुर्ग से लिया कहाँ मराकिश गया दलाइल अखरात की इजाज़त लेने के लिए उनके खानदान से बड़ी मुश्किल होते हैं ये वो फिर नस्बत शामिल हो जाती असमायलाहिया का वजीफा दलाइल अखैरात का वजीफा हिजबुल बहर का वजीफा हिजबुलब्रक हिस्सन हसन ये लफज हसने हसन है दुआओं की किताबें हिजबुल नसर हिरज यमानी दुआ है, हैदरी दुआ इसराइली दुआ सरीयानी कसीदा गौसिया सलातुल असरार कसीद बुरदा शरीफ इन इ, या मिलते हैं आपके वाज़ाइफ के अंदर अल्लाहबर जल और आज हम क्या पढ़ते हैं सैदा शाह रसूल रहमतल्ला इनको पढ़ा करते हैं। हम क्या पढ़ते कोई हैं कोई वजायफ हैं अगर हम वायफ को पढ़ेंगे भी तो इसलिए कि हमें वो पैसे मिल जाए हमारी बीमारी ठीक हो जाए हमारा वो काम हो जाए नहीं यार वजायफ को अल्लाह के लिए पढ़ो उसकी खुशनुदी के लिए पढ़ो ये काम तो वैसे ही हो जाएंगे इसलिए आप लोग वज़ायफ़ शुरू कीजिए उसमें दो चीज़ें ज़्यादा शामिल करिए बल्कि मैं कहता हूं बाकी सब छोड़ दीजिए दलाइल खैरा और इस्तफार और इस्तफार वो ढूंढिए है जो हदीस मुबारक के अंदर है। आप अपने जो आपके कुर्बो जवार के अंदर कोई आलिम दीन आलिम आलिमल या साहिब गद साहब खानक हैं उनसे जाकर पूछिए कि इस्तफार कोई हमें ज़रूर दीजिए वैसे मैं जो पढ़ता हूँ वस्तफीम वाहिए मैं तो ये पढ़ाऊँ कसरत कर दीजिए काम देखिए कि फिर किस तरीके से बनते हैं आप रूहानियत के आला मकाम पर पहुंच गए आपको मुसाफाहाते अरबा की भी इजाजत अब अभी मुसाफात अरबा क्या है मुसाफाहा है ना हाथ मिलाना और यह मुसाफाता अरबा क्या है अभी मेरे पास कल ही मुझे रात को किताब भेजी मुसलसलात इसके अंदर जो है वो मुसाफात की छियान बयान की गई कुछ और भी एक्स्ट्रा भी है लेकिन सैयद शाह रसूल रहमतुल्लाह के पास जो असनाब थी वो क्या है जिन्निया सिर्फ छः वास्तों से यह मुसाफहा एक सहाबी जिनके जरिए हजू अलैहि वसलम तक पहुँचता है जिनकी उम्र सात सौ साल थी तो मुसाफा क्या कि आपने उस हस्ती से मुसाफा किया कि जिसने मुसाफा उनसे 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 और आगे जाकर उस शख्स ने वो मुसाफा हजूर वसल्लम से किया और हजूर वसल्लम का ये फरमान है आपका फरमान है अली शान मनसाफ आनी औन साफा योम खयाम दाखिल जिसने मुझसे हाथ मिलाया या उससे हाथ मिलाया कि जिसने मुझसे हाथ मिलाया है वह शख्स जन्नत में दाखिल होगा आप कुछ समझे आप तो सैयद शाह रसूल रहमत को ये, ये सनद हासिल आपको मुसाफातुल जन्नी एक मुसाफ़ातुल मुसाफातुलदरिया अट्ठारह वास्तों से हजरत खदी सलाम के जरिए हजूर तक पहुंचता है यह भी आपको हासिल था मुसाफातुल मुअम्मरिया सिर्फ दस वास्तों से यह मुसाफा एक मुअम्मर सहाबी अबू सईद हबशी रदी अल्लाह तुम तक पहुंचता है मुसाफातुलमनामिया सिर्फ इक्कीस वास्तों से यह मुसाफा हजूर सल मुसाफा हजूर हजरत अबुल हसन अली के जरिए हजूर तक पहुंचता है हजूर ने खाम में अपनी उंगलियां उनकी उंगलियों में डाली और सात मरतबा फरमाया अबुल हसन जो मेरे हाथों में हाथ डालेगा जन्नत में जाएगा तो मुसाफा मनामी तो सिर्फ इक्कीस वास्तों से यह मुसाफा हजूर सल्ला वसल्लम तक पहुंचा हजरत अबुल हसन अली रमत के जरिए से तो यह सादत मुझे भी तीन वास्तों से तो हासिल है जुबैर नक्शबंदी उनके ज़रिए से और मेरे उस्ताद मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईनी रमत के जरिए से और सदरुशरिया के जो बेटे हैं जयाल मुस्तफ़ा जो हैं उनके ज़रिए से इसके अलावा और भी होंगे तो मुझे भी ये मुसाफा जो है इसकी सनद ये क्या होता है एक तो बात होती है एक आपने उस आदमी से हाथ मिलाया है कि जिसने आगे हाथ मिलाया हाथ मिलाया हाथ में वो हाथ चलता चलता सरकार सल्हम से उस बंदे ने हाथ में लाबर जिला शाह इससे अंदाजा कर लो कि मुर्शिद अला हजरत कितने अली मरतबे पे फायज थे और हर तरह से हजूर सल्ला वसलम से ताल्लुक है तभी तो अला हजरत को इलामी तौर पर यह इशारा हुआ कि जाओ ताकि और मजबूत हो जाए तो गोया के कम अज कम चार ऐसे बंदों से हस्तियों से आपने हाथ मिलाया है कि जिन्होंने हजूर सल्हु वसलम से वास्तव के साथ हाथ मिलाया कुछ बात समझ में आ गई आपकी आज 2015 से 40 साल कबल ये मामूल था सब कुछ पढ़ने के बाद क्या होता था कि आदमी जो है उसे भेजा जाता था उस्ताद भेजते थे फला जगह पर चले जाओ वो बहुत बड़े शाहुल अदीज है शाहुल कुरान है वहां जाके उनके दरसे कुरान के अंदर या दरसे अदीज के अंदर शामिल हो जाओ और वहां से पढ़ो यह पुराने दौर में शामिल होता था बीस साल तक तीस साल तक यह बरकरार रहा रास्ता खत्म होता जा रहा है तो जब सैयद शाह रसूल रहा ने सारा आलूम पढ़ डाले तो अब आपके वालद ग्रामी ने खुद भेजा कि शाह अब्दुल अजीज रहमत की दरसे अजीज के अंदर जाकर शामिल हो जा। ये शाह अब्दुल अजीज जो है शाहवली रमत के बेटे हैं। इनके दरसे अदीज के अंदर शामिल आप वहां गए शामिल हुए तमाम फैसमेट लिया आपने शाह अब्दुल अजीज अल्लाह शाह के बड़े बेटे ना सिर्फ सत्ता हाँ, की इजाजत ली बल्कि उस खानदान में दलाल खैरात पड़ी जाती थी उसकी भी इजाजत वहां से ले आए यह मामूल है यह बताऊं मैं आपको शाहवली मामूल है अक्सर लोग कहते हैं शाह वली हमारे हैं शाह वली हमारे हैं लोग बड़े बड़े बंदों को अपने अकीदे को साबित करने के लिए शामिल कर लेते हैं किसी एक बात की वजह से लेकिन उनकी बाकी बातें नहीं देखते शाह वली दलाल खैरात को पढ़ा करते थे उस, उनके खानदान में थी यह सईद शाह रसूल अहमदुल्ल वहां से इजाजत लेकर आए हजार रहा रबी आपके मामूलत क्या थे और यह स्टोरी का हिस्सा बहुत अहम होता है मैं यहां अपने सामाइन को लाना चाहता हूं वो पीछे से सारा सुनाता हूं ताकि उनके अंदर जज्बा पैदा हो कि हम एक अजीम आदमी को सुन रहे हैं असल चीज ये होती है उनके मामूलात क्या है हमें यह देखना होता आले रसूल सिर्फ नाम के आले रसूल नहीं थे वो काम के भी आले रसूल यानी काम के आले रसूल क्या है बेटा अपने बाप का सही जानशीन तब होता है जब अपने बाप के नक्शे कदम पर चलता हैजरत नाम को क्यों कहा गया कि यह तेरा बेटा नहीं है इसलिए कि दलील खुद ही अल्लाह ने बता दी इन्ना वो अमल उन गैरों रीजन यह है कि इसके अमल वो नहीं है जो तेरे अमल है तो पता चला कि जब बेटा बाप के नक्शे कदम के ना चल रहा हो तो कुरान का स्लूब यह कह रहा है कि वो बेटा नहीं है तो जब बेटा नहीं होता तो उम्मती जब अपने नबी की बात ना माने तो वह उम्मीद कहां से हो गया तो आले रसूल काम किया आले रसूल बात नमाज अदा करना ये आपकी सिफत थी अब हमें अपने अंदर ये देखना है कि हम बड़े बड़े वली अल्लाह और सूफी बनते हैं मुहदस बन रहे हैं तो क्या ये सिफत है नमाज बाद जमात पढ़ते हैं औलिया कराम बाजमात नमाज का खास एहतमाम करते हैं लेकिन अब आप, आप मुझसे पूछ सकते हो कि बड़े बड़े ओलिया हैं कि जो जंगल में रहते हैं वहां कहाँ नमाज होती है ना यही तो प्रॉब्लम है अभी तक तुम्हारी नजर जमीन के ऊपर है भाई अगर वो मोहल्ले में होंगे वो अपने मुरीदीन के साथ अपने लोगों के साथ बाजमात नमाज अदा करेंगे अगर वो यहां नहीं है तो रिजालुल गैब वहां पहुंच जाते हैं मैं अपनी कई तकलीरों के अंदर अर्ज कर चुका हूं कि जो वक्त का मुजद है जो वक़्त का कुत्ब है वो कभी कहीं नमाज पढ़ रहा होता है कहीं जाके कभी नमाज पढ़ा रहा होता है वो जामे कराम ओलिया पढ़ लीजिए कितने मिल जाएंगे आपको मिसाल तो ओलिया कराम जो है वह खास एहतमाम करते मुस्लिम शरीफ में एक तवील हदीस है हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं खुलासा बयान करने लगो में जमात मुनाफिक छोड़ता है या मरीज छोड़ता है बताइए हम किस सफ में बस दो बंदे ही जमात छोड़ते या मुनाफिक या मरीज और मरीज भी वो बल्कि साहबा के दौर के अंदर मरीज जो हैं, वो भी क्या दो बंदों का सहारा लेकर मस्जिद में सरकार के पीछे जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए आ जाया करते थे पऊं को घसीटते घसीटते आ जाया करते वाह अबू दउद में एक हदीस है खुलासा बयान करता हूं इबन अब्बास फरमाते हजू फरमा जिसने अजान सुनी और बिला उजर जमात में शरीक ना हुआ और तनहा नमाज पढ़ी तो उसकी यह नमाज कबूल नहीं होगी लो अब यह इसलिए कई आमा कराम ने यह कहा कि जो आदमी बिला उजर अकेले नमाज पढ़ता है उसकी नमाज कबूल ही नहीं होती नमाज हुई नहीं है यह हदीस है उनकी कवी यानी अक्सर हम लोग चलो यार मैं नमाज पढ़ लूंगा मस्जिद में जमात निकल गई तो जो बिला उजर जिसने जमात छोड़ दी यह हदीस जेल में बिठा लेगी दाऊद उसकी नमाज हुई नहीं आले रसूल बा जमात नमाज पढ़ते हती के तहज भी कभी कब्जा ना हुई क्यों इसलिए कि तहजद पढ़ने वाले खुद से मुलाकात करते हैं खुदा से मुलाकात करते हैं आज तक तुम लोगों ने लोगों से मुलाकातें की कभी खुद से मुलाकात की है खुद से मुलाकात तुमने करनी है तो मैं तुम्हें, तुम्हें वक्त बता रहा हूं तहजुद का तहजुद के वक्त तुम अपने आप से गुफ्तगु कर सकते हो अपने आप से मुलाकात कर सकते हो और तुम्हें पैदा करने वाला जो खाली का खुदा उससे तुम बात कर सकते हो इसलिए ओलिया कराम तहजुद नहीं छोड़ते यह तहजुद पढ़ने वाले किरदार मजबूत होता है गुफ्तार पे गिरफ्त होती है इसलिए इकबाल कहा करते थे मैं जब तीन चार बजे उठ जाता हूं फिर मैं सोता नहीं और वही तर्जुद का टाइम होता है कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहर गाही महफिल समा आप महफिल समा भी नहीं सुनते थे एक बात अर्ज करूं यह महफिल समा है क्या यह महफिल समा एक दवाई का नाम है मेडिसन है और मेडिसन की जरूरत बीमारी के वक्त पड़ती है इलाज करना हो तो ओलिया कराम इसको बतौर दवाई इस्तेमाल करते थे बस ये मैं इससे तवील और चीज मुख्तसर बयान नहीं कर सकता तो बतौर दवाई इसका जो है वो इस्तेमाल किया है तो अले रसूल के हम हाँ वाज तकरीर का सिलसिला मुसलसल था महफिल नात जरूर होती थी क्योंकि पहले इंसान की तख्लीक के अंदर यह बता दिया गया यह महफिल नात से सुनिए पहले इंसान की तखलीक के अंदर यह बात वाज़े कर दी गई कि देखो तोहीद इबादत यह तभी कबूल होगी कि जब उस नबी की तजीम बीच में शामिल हो अगर नबी की तजीम बीच में शामिल ना हो तो फिर तहीद और इबादत हर चीज कबूल नहीं होती ये पहले इंसान के अंदर ही इस मसले को हल कर दिया गया ताकि आगे जितने आने हैं यह मसला हल रहे मोहम्मद मुतफ़ा जब जब नबी की तज़ीम के बगैर आदम सलाम की तज़ीम के बगैर बड़े बड़े आबिदों की इबादत कबूल नहीं है और उनकी तोहिद कबूल नहीं है तो सैदालम्बिया जो है मोहम्मद मुतफ़ा सल्हु वसलम की तजीम के बगैर किस तरह चीजें कबूल हो जाएंगी कुरान सैद आल रसूल ने मुरीदीन की तवज्जो कुरान की तरफ दिलाई आप खुद भी बहुत कुरान पढ़ते थे आप फरमाते थे ये कुरान मुर्दों के लिए नहीं है जिंदों के लिए है जिंदों के लिए किताब उतारी गई इसकी तिलावत करो इसके के, के अलावा सईद वजीफा पड़ा था इसे इमाम बिन अल ने लिखा। सारे इसके अंदर दुआएं इसके अंदर तो हीद के बारे में मसाइल इसके अंदर जबरदस्त है अगर आप इसका तर्जमा पड़े आप आश कर उठे हजार से मुझे यह सादत बख्शी मैंने जाकर इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजुली रहमतल्ला के रोजे के ऊपर तीन दिन मुकम्मल तीन मरतबा इसको पढ़ा वहां उनकी औलाद से मैं सैयद हसन तलमुदी अल जजुली उनसे मैंने जाकर इजाजत ली इसकी और आपको भी अगर आप सैयद शाह रसूल रसुलरहमतल के मारहरा के पास हैं तो आपको इजाजत लेने की आप जाएं उनके पास इजाजत लीजिए पढ़िए ताकि वो रबता जुड़ जाए और फैज आपके ऊपर जो इसको पढ़ना शुरू कर देता है अल्लाह की रहमतें उसके ऊपर आनी शुरू हो जाती मौलाना रूम के दरबार के ऊपर तीन दिन तुर्की में जाकर मैंने मुकम्मल तीन मरतबा इसे पढ़ा और अभी हाल ही में मैंने तीन दिन मुकम्मल तीन दिन हजूर सल्लाम के रोजा आधार के पास इसे पढ़ा हाजर भी मेरे वाली तालिब हुसैन शाह रहमत वो भी इसे पढ़ा करते थे तलाइल और मेरा यह कार होता है कि मैं स्टडी शुरू करता हूं किसी वली काम की अक्सर लोग यह समझते हैं कि शायद कोई किताब खोली तो शुरू कर देता बयान नहीं मुझे इसके लिए स्टडी करना पड़ती समा करना पड़ता है इसीलिए पंद्रह पंद्रह बीस बीस पच्चीस दिन गुजर जाते तो वो जब मैं एक एक नाम लिख लेता हूं क्या मुझे इनके ऊपर गुफ्तु करना है तो फिर उस दिन से लेके जब तक, तक, तक तकरीर अभी मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूं ना उस दिन से लेके तकरीर तक वो जितने भी हर नमाज के बाद सूरह फातिहा और दलाल खरात जो रोज पड़ी जाती मुकम्मल पढ़ता हूं हजर अहमद उम्मेर अभी वो उसका सवाब जो है वो उन जिनके बारे में तकरीर करना है उनको मैं पेश करता रहता हूँ हजार अहमद उम्मेबी और बड़ा कर्म है तो आल रसूल रहमत रह के वजीफे में दलाल खैराब थी शरीय के पबंद तरीकत के इमाम आजजी की इतहा यह थी कि खुद इमाम ना बनते किसी से कहते तुम इमाम बनो पीछे उसके नमाज अदा करते इसका फायदा ये होता कि इनकी वजह से उसकी नमाज भी कबूल हो जाती है अल्लाह अकबर जला शाल यह बड़ी बात होती है जब वरी कामिल नमाजने पर आ जाए खुद पीछे खड़े हो जाए तो पीछे से तोज्जो डाली और नमाज अल्लाह अकबर जला शान सखावत सैद सखी जरूर होता है ये बात याद रखिए सैयद में और कुछ हो ना हो सखावत जरूर होती ये उसकी जेनेटिक में शामिल है सैयद सखी और आखिरकार वो सजदे में भी पलट आता है कोई भी आता सैयद शाह रसूल के पास कोई भी आता आगे झूठी बोल देता फिर भी आप दे देते और कभी कभी तो अपने कपड़े उतार देते कपड़े उतारने का मतलब क्या वो ऊपर असल में पहने होते थे जुब्बा पहना होता है या कोई कीमती चादर है दे देते तू ले जा यार जाके बेच के अपना काम चला ले ये मतलब होता है अल्लाह अकबर एक दिन तो अपनी आपकी जोजा मोहतरमा सैदा अर्ज करने लगी कहती हैं आप खुद वली कामिल हो तो सबको वली समझते हो वो किसी को जा, किसी का सुना होगा तो आपको मालूम होगा कि उसके ये हालात नहीं है जो उसने बयान किए फरमाने लगे मैं जानता होता क्या जा आने बोलता मैं जानता लेकिन क्या करूं नाना को यही आर्डर था अहमद साहिल को झिड़कना नहीं बात है यह वली अल्लाह है ये सूफिया ये लोगों से बहाने बहानों से पैसे समेटते नहीं है ये लोगों पे पैसे खर्च करते हैं यह तो वली की निशानी है वो धोखा देकर उनसे पैसे समेटेगा नहीं वो अपने भी पे खर्च कर देता उनके ऊपर वली वरीय कहा मिला अल्लाह हो सैयद शाह अली रसूल की जिंदगी नबी की सीरत आपने सैयद मनतखब हुसैन बल गिरामी की साहबादी से शादी की इस अजीम वली कामिल की एक अजीम करामत है कि खानदान कचोचा के सपूत सैयद शाह अली हुसैन अशरफी आपके खलीफा हैं और इनकी सबसे बड़ी करामत लोग अक्सर मुझसे पूछें अगर कि मुख्तार शाह ये सैयद शाह अली रसूल रहा की करामत बयान कर पहली करामत सैद शाह अली हुसैन अशरफी आपके खलीफा हैं ये करामत दूसरी अजीम करामत वक़्त के मुचद उन जैसा आश के मुस्तफ़ा आलिम बामल अभी तक पैदा नहीं हुआ यह बात हुआ। अभी जब से वो उनके बाद कोई पैदा नहीं हुआ उनके बराबर का वह आपके मुरीद खलीफा ये वक़्त का मुतद आपका मुरीद तजीत तो की जो नयाबत मिली है गौस पाक की वो सैयद शाह रसुलरम की वजह से लाह अकबर जिला आप इस खानदान के हर फर्द की इज्जत करते और जब मरहरा स्टेशन पर आ जाते तो अपने जूते उतार लेते नंगे पहुँचाया करते थे खानका तक नंगे पहुंच जाते कोई पीर खाना से बरेली आता हालांकि आपके पास काम करने वाले थे खादिम थे लेकिन खुद उसके लिए खाना अपने सर पर रख के लेके जाते कि मेरे पीर खाने से आदमी आया अल्लाजरत इतरी तजीम कर दे ये हमारे सूफिया और ये सुन लिया कुरान और हदीस पढ़ते हैं इबादत करते हैं किसी पर जुलम नहीं करते खालिस्त तो का पैगाम पहुंचाते लोगों से पैसे खाते नहीं हैं लोगों पर पैसे लुटाते हैं इनको देखकर कर अब इतराज़ करो हम पर इन जाहलों को गड़ी गली में घूमने वाले लोगों को देखकर इस मसल के ऊपर एतराज करना ना, ना है ना इंसाफी है ना इंसाफी है सैयद शाह रसूल की जिंदगी का मुताया करने के बाद अब करो एतराज तो तासुब और चीज है नजरअंदाज कर देना हकीकत तो भी की तो कोई चीज है इस तो इस्तेमाल कर लीजिए अल्लाह को जान देनी हमारे ओलिया कराम शरीयत के आलिम हैं तरीकत के राहबर हैं वाकिफ हैं हकीकत से इनको देख कर फिर करो जिसको वजू की सुनन का पता नहीं है उसको देख कर मसल के आहल सुनना वाल जमात पे ऊपर इतराज कर देना आप फरमाया करते थे सुनिए जुमले हमेशा उलामा उलिया और मसाकीन की इज्जत करो क्या जुमला है उलामा की इज्जत करो सूफिया ओलिया की इज्जत करो मसाकि की इज्जत करो जो कुछ मुयसर हो इनकी खिदमत में पेश कर दो कबूल करते तो ऑल इज वेल्थ ठीक है सब नहीं करते तो तुम्हारे जिम्मेदारी उतर गई और क्या हम आज उलमा की इज्जत करते हैं औलिया की इज्जत करते हैं मसाकिन की इज्जत करते हैं नहीं तभी तो हमारे हमारी कोई इज्जत नहीं करता हमारे रिस्क में बरकत नहीं फरमाते सूफी वो होता है कि जिसका जाहिर हजरत इमाम आजम नुमान बिन साबित जैसा हो जाए जाहिर औलिया है विशाल से कबल किसी ने कहा हजूर को वसीयत कर जाए वसीयत फरमा जाए वसीयत फरमा जाए कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की बस जुमला अल्लाह वाती और रसूल अल्लाह की और उसके रसूल की अतात करो बस यही अठारह जिलहज बारह सौ छियानवे हिजरी आपका विशाल हुआ और मारहरा में ही आपका मजार शरीफ है लोग जाते हैं फैज फाते हैं अलफातहा बरा आसूल अलहमदिल्ला का नाम اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين